मैं मछुआरों के समुदाय से आया हूँ। मेरे पिता के वेतन से हम 5 व्यक्तियों का गुजारा होता था, इसलिए मुझे काम करना सीखना पड़ा। कोई और रास्ता नहीं था, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था और किसी ने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए सहायता नहीं की, लेकिन मेरे पिता ने काम सीखने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया। मैंने छोटी उम्र में ही काम के हर पहलू को सीख लिया, काटना, रंदा करना, मॉर्टिस और टेनन बनाना। कार्पेंट्री का A to Z यही एकमात्र काम है जो मैं करता हूँ। हमने मूल रूप से पुराने फर्नीचर को नया बनाने से शुरुआत की। हमने वास्तव में उन कारपेंटरों से सीखा जो इस क्षेत्र में काम कर रहे थे। मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते हमने किताबें खरीदी। हमने विभिन्न प्रकार के जोड़ों का अध्ययन किया और कैसे चीजों को उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से बेहतर बनाया जा सकता है। मैं कहूँगा भारतीय वर्करों को जुगाड़ की आदत है, इसलिए वे कुछ भी और सब कुछ को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वह एक अंश यहाँ से लेगा और एक अंश वहाँ से, आपस में जोड़ेगा और काम पूरा करेगा। और कुछ भी शुरू करने और सीखने के इस रवैये के कारण वे तकनीक को बहुत जल्दी अपनाने में सक्षम हैं। मांग अधिक है लेकिन साथ ही कमी भी है। कौशल को अच्छे से सीखे और भविष्य अभी भी बहुत उज्जवल है। लोग आपके पीछे भागेंगे न कि आप उनके पीछे, निश्चित रूप से। जो इस काम में नए हैं, उन्हें सबसे पहले सीखने की अच्छी पैदा करनी चाहिए। आपको इसमें गहराई से जाने के लिए डिटेल को कदम दर कदम सीखना होगा। एक नया कौशल सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथों से किसी वस्तु को तैयार करते हैं तो इसे खरीदने के लिए हमेशा कोई ना कोई होगा। कच्ची लकड़ी को जंगलों से लाया जाता है। आप इसकी ओर देखेंगे और सोचेंगे कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे तैयार किया जाए। आप बस करते हैं और यही मेहनत का काम है। अगर आप पूरे दिल से काम करते हैं तो आप यह महसूस करेंगे। जब यह अंत में तैयार हो जाता है, आप इसकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं।